किले में स्थित एक पुराना चर्च है जो शायद अभी उपयोग में नहीं ला जाता होगा, लेकिन पुर्तगाली के जमाने में ये किले के अंदर का चर्च था। ऐसा लगता है कि ये शायद पुर्तगाली योद्धा की मूर्ति लगा रखी है दरवाजे के ऊपर, और ऐसा लगता है कि ये प्रार्थना का कोई हॉल रहा होगा जहाँ प्रार्थना होती होगी, ये प्रार्थना स्थल भी हो सकता है। बीच में यहाँ एक शिलालेख है जिस पर कुछ लिखा हुआ है, पढ़ तो नहीं पाए लेकिन कुछ लिखा हुआ है चारों तरफ। और अरब महासागर में तैरती हुई एक मछुआरों की नाव, दो नावें यहां नजर आए, दो भी नहीं तीन नावें हैं। अब चढ़ रहे हैं किले के सबसे ऊंचे भाग पर। किले का सबसे ऊंचा
जो भाग है वहाँ अब हम जा रहे हैं। किले के सर्वोच्च शिखर से ऐसा दृश्य दिखाई देता है, दूर दूर तक चारों तरफ यहाँ से देखा जा सकता है। और इसके ऊपर भी एक मीनार बना हुआ है बहुत ऊंचा, जिस पर भी या तो दीपक तो मतलब प्रकाश हाउस, लाइट हाउस या दीपक घर होगा, जो जहाजों को रास्ता दिखाता होगा। ये वो द्वीप समुद्र के बीच में जो रचना बनी हुई है, यहाँ पीने की पानी की भी वास्तव में बहुत समस्या होती होगी, तो ये वर्षा जल को फिल्टर करके एकत्र करने का ये सिस्टम बना रखा है। इसमें वर्षा के जल को एकत्र किया जाता था और वर्ष भर पीने के काम में लिया जाता था। ये दरवाजे के पार चल करके देखते हैं क्या मिलता है। दरवाजे के पार आते ही एक नाला नजर आया और इसमें एक गुफा का मुहाना नजर आता है। इस किले में बहुत सारी ऐसी गुफाएं बताई जाती है जो आपातकाल में छुप करके निकलने के लिए होती होगी। इसी तरह की एक ये गुफा यहाँ नजर आई। लीजिए, जहाँ से प्रवेश किया था निकल आए वहीं की चौक में। यहाँ से हम निकले और वो संदेश शिला जो लिखी हुई है वहाँ से घुसे थे, यहाँ निकल गए। इस प्रकार ये दीव किले का भ्रमण पूरा हुआ। कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं और लाइक और शेयर करना ना भूलें। हर हर महादेव। निशान लिखा क्रॉस का और लिखा हुआ है बाबा बलराम दास, संत श्री बाबा बलराम दास। ये शिव मंदिर है, बड़ा सुंदर छोटा सा मंदिर। और एक और मंदिर यहाँ मिला, ये
मुझे टेस्ट के लिए करने वाला है। और ये मिला हमें INS कुकरी जो यहाँ म्यूजियम बना रखा है। समय अधिक हो गया था, इसका अंदर जाने का टिकट 100 रुपये है, लेकिन समय अधिक हो गया था, समय ज़्यादा हो जाता, इसलिए केवल बाहर से ही इसके चित्र लेकर के संतुष्टि पाई। सन 1971 में इसी कुकरी यान पर हमला हुआ था पाकिस्तानी सेना द्वारा, और उसमें वो लोग मरे हुए थे जिनके नाम वहाँ लिखे गए थे, वो शहीद हुए थे। कुकरी आइए, ये तो बहुत अच्छा रहा, सामने भी दिख रहा है। यहाँ की मोटर बोटों में हिंदू निशान अच्छी मात्रा में दिख रहे हैं, ये खुशी की बात है। इस प्रकार की दो पुलियाँ उसे ये दीव शेष भूमि से जुड़ा हुआ है। एक पुलिया ये है, और दूसरी पुलिया वो है जिससे हम आए, दोनों गुजरात से दीव को जोड़। ये हमारी आवास की छत से ये दृश्य, ये अहिल्याबाई होलकर द्वारा बनाया हुआ ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर, जो अहिल्याबाई होलकर द्वारा 1783 में बनाया था, ये हमारे आवास की छत से इस प्रकार दिखाई दे रहा है। ये नया जो स्वतंत्रता के बाद में बना वो सोमनाथ मंदिर, नया वाला,
हर हर महादेव। ये सरस घाट यहाँ लगा हुआ है, सरस मेला, और उससे आगे के समुद्र, ये नजारा हमारे आवास की छत से, हर हर महादेव। ये अहिल्याबाई होलकर द्वारा बनाया हुआ शिव मंदिर।